मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में राजद्रोह केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल की आज पेशी होनी है। पेशी से पहले पूछताछ पर पलटवार करते हुए कंगना ने कहा कि देश हित में बोलने की सजा मिली है। मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? मुझे परेशान किया जा रहा है। पहले मेरा घर तोड़ा और अब पूछताछ। बता दें कि कंगना रनौत के खिलाफ समाज में नफरत फैलाने के लिए FIR दर्ज कराई गई थी। ये बांद्रा कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने दोनों बहनों को पुलिस स्टेशन आकर बयान दर्ज करवाने के लिए दो बार समन भेजा था, लेकिन कंगना और रंगोली ने अलग अलग वजह बताई थी और हाजिर नहीं हुई थी। कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट में इस FIR को खारिज करने के लिए याचिका दायर की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ FIR रद्द करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कंगना की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। साथ ही कंगना और उनकी बहन रंगोली को आदेश दिया कि वे 8 जनवरी को दोपहर 12 से 2 बजे के बीच बांद्रा पुलिस स्टेशन में हाजिर हों। आज पेशी पर जाने से पहले कंगना ने एक वीडियो जारी किया है। पहले आप भी देखिए कंगना द्वारा जारी किया गया ये वीडियो। मैंने देश के हित में बात की है। जिस तरह से मुझ पे अत्याचार किए जा रहे हैं, मेरा शोषण किया जा रहा है, वो सारा देश देख रहा है। गैर कानूनी तरीके से मेरा घर तोड़ दिया गया। किसानों के हित में बात करने के लिए हर दिन मुझ पे न जाने कितने केसेस डाले जा रहे हैं। यहाँ तक कि मुझ पे हंसने के लिए भी एक केस हुआ है। मेरी बहन जिन्होंने कोरोना काल के शुरुआत में रंगोली जी ने डॉक्टरों पे हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन पे भी केस हुआ। उस केस में मेरा नाम भी डाल दिया गया, जबकि उस वक्त मैं ट्विटर पे थी भी नहीं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा किया गया। जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी हैं, उन्होंने उस चीज को रिजेक्ट भी किया और उन्होंने कहा कि ये केस का कोई तुक नहीं है। उसके साथ में ऑर्डर आया कि मुझे चौकी पे जाके, पुलिस स्टेशन पे जाके जो है वो हाजिरी लगानी पड़ेगी। अब मुझे कोई बता नहीं रहा है कि किस तरह की ये हाजिरी है, और मुझे ये भी कहा गया है कि मैं अपने साथ हो रहे इन अत्याचारों का किसी के साथ में ना बात कर सकती हूँ, ना बोल सकती हूँ, ना बता सकती हूँ। तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहती हूँ कि ये क्या मिडिवल एज है जहाँ पे औरतों को जिंदा जलाया जाता है, वो किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती, बात भी नहीं कर सकती। इस तरह के अत्याचार सारी दुनिया के सामने हो रहे हैं। मैं लोगों से यही कहना चाह रही हूँ जो आज ये तमाशा देख रहे हैं, उनसे यही कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह के खून के आंसू हजार साल की गुलामी में सहे हैं, वो फिर से सहने पड़ेंगे अगर राष्ट्रवादी आवाजों को चुप करा दिया गया। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कंगना पर राजद्रोह की धारा लगाने को लेकर पुलिस को भी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने पूछा था जो भी सरकार के मुताबिक नहीं चलेगा क्या उस पर राजद्रोह की धारा लगा दी जाएगी। बता दें कि मुंबई पुलिस ने कंगना और रंगोली को पहले 3 बार समन भेजा था, लेकिन वे पेश नहीं हुई थी। इस बार उनके हाजिर होने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले वे शहर से बाहर होने का हवाला देती रही हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कंगना से मुंबई लौटने की तारीख पूछी थी। बता दें कोर्ट ने मुंबई पुलिस की FIR में IPC के सेक्शन 124 यानी कि राजद्रोह की धारा जोड़ने पर सवाल उठाया था। उन्होंने मुंबई पुलिस से पूछा, आप नागरिकों के साथ ऐसे पेश आते हैं, हम दूसरे सेक्शंस को समझ सकते हैं, लेकिन 124 क्यों? अगर केस इतना सीरियस था तो आपको FIR दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन FIR मजिस्ट्रेट के 156(3) के अंतर्गत दिए गए आदेश के बाद फाइल की गई। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.